मैं कुछ कह रहा हूँ, इंसान ही तो है तू। तो तुम इतना मानते क्यों? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। ये बता तू बैट से पिटी किसी गलती की वजह से? यहाँ मिलूंगी मैं तुमसे। चिल्ला मत, मत पिन का बता रहा हूँ मैं, चिल्लाए मत मेरे ऊपर, नीचे बैठ जा आराम से। अभी जो है ना इधर इधर कुछ नहीं करेगा। हाँ। अच्छा मैं कुछ नहीं करेगा, तू कुछ भी ना कर, मेरी बहू में कुछ नहीं करेगा, तू कुछ भी ना करने का। अच्छा, मैं रोकूंगा, जो काम मैं कह रहा हूँ करेगी वो, तू कुछ भी ना कर। ये चीज अपनी बहन काम करेगी वो, ये चीज अपनी बहन। हेलो गाइस, माय नेम इज मैडी, मैडी के प्रैंक में आपका स्वागत है। गाइस मैं आ गया हूं एक और हेल्पिंग वीडियो के साथ। इन मैडम ने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनका हस्बैंड जो है वो एकदम शक्की है और इनके साथ इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना ज़्यादा परेशान करा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। अब ये हमें बताएंगे कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनका हस्बैंड किस तरह से इन्हें टॉर्चर कर रहा है। तो बताइए, बताओ मैडम क्या। मेरी शादी को सिर्फ 1 से 1.5 साल हुआ है और मेरी शादी ज़बरदस्ती करा दी गई थी इस आदमी के साथ। ये आदमी मुझे 4 दीवारी में बंद करके रखता है। अच्छा। मेरी ड्रेसिंग सेंस को लेके इसको ऑब्जेक्शन होता है। इवन मुझे मेरे फ्रेंड्स जो थे शादी से पहले, उनसे सबसे रिश्ता तोड़ने को कह दिया, लड़के लड़कियां सबसे कहा तू दूर रहा कर सबसे। मतलब एक तरह से ये इतना टॉर्चर करा, किसी से मिलने ही नहीं देता, किसी से भी मिलने नहीं देते, तो घर में कैद करके रखता है। ये लगा लो सर, आपको मैं ये बताती हूँ कि कजन ब्रदर्स मेरे जो होते हैं वो तक मुझसे बात नहीं कर सकते। कजन पे भी शक करता है? कजन पर भी शक करते हैं। मैं बस अपने भाई, वो भी उससे भी बहुत कम बात करने देते हैं कि वो तेरा दिमाग खराब कर देगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब ये इतना ज़्यादा शक्की इंसान तुम्हारे बांध दिया है तुम्हारे साथ, लेकिन ये जो है कोई शराब वराब भी पीता है क्या? शराब पीता है सर, सिगरेट पीता है, दुनिया भर के ऐब है इसमें। मुझे मारता है सर, मैं काम कर रही होती हूँ घर में, अचानक से पता नहीं किस बात पे बहस होगी, बाहर से दिमाग खराब करके आएगा और मुझे मारता रहता है। मेरे एक दिन बाल पकड़ के इसने मुझे इतना मारा, मेरे पूरी पीठ पे सर निशान पड़े हैं, मैं दिखा नहीं सकती इस टाइम। तो इसने जो है मतलब तुम्हारे साथ इतना गलत करा हुआ है कि मारता है बहुत ज़्यादा और कहीं बाहर आने जाने नहीं देता, घर वालों से मिलने नहीं देता है तुम्हें। तो गाइस देख रहे हो यार, ये बिना सोचे समझे शादी करा देते हैं, लड़के को एक बार परखते भी नहीं है कि मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर इनके साथ हो रहा है। मैं बस इससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ सर, मैं बस, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना बिल्कुल। हाँ बेफिक्र रहो, अब तुम जो है ना मेरे पास आए हो हेल्प के, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम घबराओ मत, तुम मेरे साथ बैठे हो। और अभी तुमने उसे कॉल करके बुलाया है यहाँ पे? हाँ मैंने उसे 1/2 घंटे पहले कॉल किया था, पर उससे पहले मैंने आपसे मिलना ज़रूरी समझा। अच्छा अच्छा, तो अभी मैं जो हूँ कैमरे के पीछे जाऊँगा और मुझे वो देखना है कि वो किस तरह से तुम्हारे साथ फिर, वो फिर मुझे टेंशन मत लो आप। उससे मना करता हूँ घर से बाहर निकलने के लिए, कर क्या रही है यहाँ पे, ये क्या पहन रखा है तूने? मुझे तुमसे बात करनी थी। लड़के से मिलना है यहाँ पे वो तू? मैंने तुम्हें बुलाया था। मुझे तू यहाँ बुलाया, मैं तो घर में नहीं मिलता मैं तुझसे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। देखो हर चीज घर वालों के आगे नहीं। नीचे बैठ, तुम नीचे बैठ, मैं तुम्हें चुपचाप बैठ, आराम से बात कर, मैं बैठूं? एक बार प्लीज बैठ जाओ। तू यहाँ मिलने की सही है, मिलने की सही है, बता मुझे। मैंने तुम्हें बुलाया, ये तेरा ड्रेसअप क्या है? तुझे मैंने कितनी बार मना किया है पिछले 1 साल से, कहता हूँ ये ड्रेस अपनी मिलनी चाहिए मुझे, तूने पहन क्या रखा है? तुम एक बार बैठोगे मेरी बात सुनोगे? तुम मुझे बिठाएगी या तू बैठेगी? तुम बस एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार बैठ जाओ शांति से। यहाँ बैठ आराम से, बिठा रही है मुझे, तू बैठ यहाँ पे। तुम एक बार मेरी बात, सही है मिलने की, तेरी बात, मैंने तुम्हें बुलाया था। तेरी बात सुनूंगा क्या? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था, देखो हर बात घर वालों के आगे नहीं की जाती है। घर वालों के आगे नहीं किया, कमरे में बंद कमरा किस लिए होता है? तुझसे मैंने 70 बार मना किया, तू ये कपड़े नहीं पहनने, तूने पहने क्यों? किसी यार से मिलने आई तू यहाँ पे अपने? प्लीज एक बार बैठ जाओ, मेरी बात सुन लो आप। मेरा तुम कितना शक करते हो, कितना शक क्यों करते हो, कितना शक क्यों करते हो, शक करने का इलाज नहीं है। चिल्ला मेरी बात, प्लीज मेरी बात सुन लो, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, बैठ जाओ, नीचे बैठ प्लीज। मैं बैठ जाऊं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दूं? देखो नीचे बैठ जा आराम से, मेरे मत्थे की पिनाकरी, नीचे बैठ जा आराम से। पता नहीं किस से मुंह मारते फिर, किससे मिलना आ रही यहाँ पे? तुम आज तुमने ये बात बोल दे, किस किस से मुंह मारते फिर कि आज के बाद ये बात मत, मैं यहाँ कुछ भी करूं, मैं यहाँ कुछ भी करूं, तुम ऐसा शक क्यों करते हो तुम्हारे ऊपर? तू ड्रेस अप कैसे कर गई है? ड्रेस मेरी है, मेरी वाइफ है, किसी गर्लफ्रेंड? तुम्हारी वाइफ हूँ, ड्रेस मेरी है। ड्रेस कैसी तेरी है, कहीं से लग रही? तुमसे मिलने आई हूँ इसलिए पहनी है। मिलेगी तू? हाँ यहाँ मिलूंगी, यहाँ मिलूंगी। मत 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 पिन का बता रहा हूँ मैं, चिल्लाए मत मेरे ऊपर, नीचे बैठ जा। तुम ये हाथ है ना अपना नीचे रखा करो, हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे आज के बाद। छोड़ो अभी हाथ, नीचे रखा करो हाथ, भूल गई कल की मार? नीचे बैठ जा आराम से। रात की मार भूल गई, अभी सुबह भी नहीं हुई सही से, रात की मार भूल गई, जब भी दोबारा यहाँ पे आ गई दोबारा मिलने किसी से?
तो उससे मैंने कही थी घर में रहो, तो घर में यहाँ करने क्या आई है? तू मुझे इस बात का जवाब दे दे आज जरा। तू मुझे मेरी एक बात का जवाब दे दे। तू तेरी बात का जवाब दुनिया आ गई मैं यहाँ पे। इतने बेल्ट से तुम मुझे मारते हो। बेल्ट से तेरी गलती नहीं है, मेरी बात की नहीं मानती है। बेल्ट से मारते हो, जवान लड़ा रही है। मैंने क्या ऐसी गलती की है? मेरी बात की नहीं मानी तो जब तुम्हें तुझसे कही थी ये काम नहीं करना, तू कर क्यों रही है? मैं भी एक इंसान हूँ। इंसान ही तो है, मैं कुछ कह रहा हूँ, इंसान ही तो है तू। तो तुम इतना मारते क्यों? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। ये बता तू बैट से पिटी किसी गलती की वजह से? अपनी गलती की पिटी है ना? क्या गलती की मैंने? अच्छा अभी मुझसे पूछे क्या गलती की? जब पिटी जब नहीं पता क्या गलती की तूने? क्या गलती की मैंने? अभी मुझे गुस्सा दे रहा। देख दिमाग ना खराब है, वैसे बहुत दिमाग खराब रहता है मेरा। अगर तुम्हें मेरी एक भी बात पता हो कि मैं मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, मैं किसी के साथ घूमने जाती हूँ, प्लीज मुझे बताओ। नहीं चल रहा तू जब भी ये काम छोड़ दो, ये अच्छा करना छोड़ कर रहा हूं। तो तू बाहर घर से निकलने किस लिए? ये बताओ यहाँ करने क्या ही है? तूने कौन से यार को बुलाया अपने यहाँ पे? कौन से यार को बुलाया बता? तेरा उसका बॉन्ड बिगड़ जाएगा। यही बात है ना, सच यही है ना? बोल सच, क्या है बोल पहले। सच वो है जो तुम बनाना चाह रहे हो। सच बोल, सच बोल। वो लड़का सोचेगा सच नहीं है, प्लीज मेरे विश्वास करो। तो फिर सच क्या है तेरा, ये बताओ मुझे सच क्या है तेरा। तुम जैसा मुझे मानते हो मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही साधारण सी लड़की हूँ। तू यहाँ करने क्या है? मुझे इस बात का जवाब दे। मेरा दिमाग खराब हो गया, शाम को तेरी खैर नहीं है। घर पे जाके ना हाथ नीचे नीचे करूंगा मैं, अभी तो मैं हाथ भी ऊपर करूंगा। हाँ भाई क्या बात है? क्या बात है? कैसे बोल रहा है? कौन है भाई? साले ऐसा सुपर बना। कौन है भाई तू? कौन है बता? आएंगे इसने बहुए मेरी, मुझे बहुए मेरी तो कुछ भी करोगे? हाँ तेरे घर हाँ, पे होगी घर बाहर भी है ना? पार्क में क्या बेटा? पार्क में ना इससे इससे मिलने आया था क्या पार्क में? हाँ इससे मिलने आई थी क्या पार्क में? इसने ही बुलाया मुझे। इससे मिलने आई थी क्या पार्क में? तेरा जो ना तूने इसको तुम्हारे रोज रोज के व्यवहार से मैं तंग आ चुकी हूँ, बहुत तंग आ चुकी हूँ। मेरे को छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। तूने जो है इस पे कितना बुरा बजा रखा है। मेरी बहू है, मैं कुछ ही करूंगा। तू कैसा कर देगा साले? तेरा मैं कुछ ही करूंगा, मेरी बहू है। तू इसको बजा रहा ना, तेरी बहू है तो घर में जाकर कह रहा हूं फैसला लेना आएगा बाहर। फैसला लेना नहीं आऊंगा। कौन हिमायत है? कौन सा हिमायत बुला ले तूने? हां हिमायत करूंगा, इसका भाई समझ ले, इसका कोई समझ ले। गलत समझते हो या गलत ना समझो तो क्या समझू? तूने कसम बना रखा साले, रैपट मारूंगा तेरे मगर। अब क्या तू बोल रहा है? मैंने बुलाया ही नहीं, मैंने बुलाया मुँह से बोल रहा, मैंने बुलाया ये बोल मेरा यार। मैंने अपने मुँह से बोल मेरा यार, ये सच्चाई जो तुम्हारी है ना, ये पूरी दुनिया के आगे लाना सच्चाई के साथ ही है। इधर इधर तूने जो है इसको इतना टॉर्चर करा इसके घर से। ओ अरे मेरी बहू है। ओ सुन हां बता, बहू है फिर पहले बात सुन ले। हां बता, अपनी रहते बजाऊंगा तेरे। हां बता, यहीं लिटा दूंगा तुझे। हां बता, तूने जो है इसे कितना बुरा टॉर्चर कर रखा है। मुझे बहुत मारता है ये मुझे बहुत मारता है। तू इसे पीट के दिखा दिया। घर पे तू आएगा क्या? घर पे तू आएगा ये बता। जाके तेरा साले घर में ही सुअर बना। अच्छा घर का आदमी बना लिया, घर ले जाने लायक बना लिए। अबे वाह, तूने जो है इस पे बेल्ट बजाई। अच्छा। तू इसे घर से बाहर नहीं निकले तो तू अपने भाई मैं कैद करके धरूंगा। तू जो है कैद करके धरूंगा मैं। सिर्फ तुम्हारी जिंदगी है, मेरी जिंदगी नहीं है। मेरी होड़ करेगी गयो? अबे इतनी होगी क्या मेरी होड़ करने लायक हो? तेरी कजन ना है, तू कैसे कर ले फिर बात? तेरे पे तो शक ना कर दी, तू कैसे कर रहा है? मेरे कजन वजन को बीच में मतन लाए, मैं वो है, मैं ऐसा कुछ ही करूं? तू कुछ मैं कहीं बाहर जान नहीं देने का सर। मैं इंसान भी हूं साथ में, रहेगी बात खत्म। ना रे घर में, घर के अंदर रहेगी। तूने शादी करी है, नौकरा नहीं लाया? शादी करी है, कुछी का नौकरा ही नहीं, कुछ रहे अंदर कैद करके रखूंगा। सुन आवाज नीचे करके बात, अंदर कैद करके रखूंगा मैं। तू कुछ भी ना करने का, ये मुझे बहुत मारता है। ये चार दीवारी में ऐसे बंद करके रखता है, ये सोचता है मैं इसकी नौकरानी हूँ घर में। साले इतना मारूंगा भाई मत्थे की मत्थे। ये चाहता है, ये चाहता है मैं ये बोले तो मैं बैठूं, ये बोले तो मैं उठूं, बहुत बुरा हो जाएगा। पीछे को हट, पीछे को, समझ आई? तूने जो है साले तुझे इतनी शर्म नहीं है? तू इस लड़के के साथ तूने शादी करी है तो शादी कर ली, तो तूने इसे नौकर थोड़ी बना लिया भाई। मैं खुशी बनाऊं, मैं खुशी बनाऊं। सुन ले, ये जो है दबंगई ना, ये दबंगई इसे ही दिखा दी तूने, अब मत दिखा दियो। अरे टाइम खराब ला दूंगा तेरा। ये जो अब ये घर पे जाके भी मुझे डाल दूंगा, वो घर पे जाके भी मुझे बहुत नहीं करेगा। टेंशन मत लो, अभी जो है ना इधर आ, इधर कुछ नहीं करेगा। हाँ अच्छा, मैं कुछ नहीं करने का। तू कुछ भी ना कर, मेरी बहू में कुछ नहीं कर रहेगा। तू कुछ भी ना करने का। अच्छा, तेरी बहू है क्या? ये बता दे। अबे बहू हो या कुछ हो, समझ आई? मुंह बंद कर ले, मुंह बंद कर ले, समझ आई? टाइम ना दिमाग खराब कर दे तूने मेरा आके, और तूने यहाँ बुला के, तूने मैंने तेरे से क्या कही थी? मैंने तेरे से क्या कही थी? तूने अपने यहाँ खसम बुला रखा है, खसम बुला रखा ना यहाँ। तमीज में बोलियो। ये सिर्फ ना, ये सिर्फ तुम्हारे विचार है मेरे लिए। ओ शक जो है ना, शक जो है, तू जो है ना, तू यार जा सक करू मां के हाथ लग गया साले। ऐसे रहपट मारो ना, तुझे यहीं लिटा दूं। रहपट मारूंगा तुझे। इधर को सुन। हां सुना।
पहले बात सुन मेरी सारी की सारी सुना। तू जो है तूने इसे घर में कैद क्यों कर रखा भाई? मेरी बहू है। तू बहू है तो मैं रोकूं मां क्यों करेगा? जो काम मैं कह रहा हूं करेगी। तू कुछ भी ना कर, ये चीज अपनी बहन के साथ करेगी। ये चीज अपनी बहन के साथ क्यों नहीं करते तुम? उसको क्यों नहीं रोकते बाहर कॉलेज जाती है? बहन को मतलब बीच में जो भी किसी की बहन है बे, समझ आई? जो भी किसी की बहन है तेरी जो है ना सारी अकड़ निकल दूंगा। तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई, बहन तुम्हारी बहन, मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। तूने इसकी लाइफ स्पॉइल कर दी। तेरे घर वालों ने अगर कर दी तो तू जो है घर के अंदर कैद करके को रखेगा? तू क्यों करेगा? मैं चाहूँ ना तुम्हें कोर्ट लेके जा सकती हूँ। घर में रह कर रहे हैं तो उसे जो है कैद करके ना रखा। भाई मैं पता अपने तरीके चलता हूँ, इसे कैद करना लग रहा है कैद समझ ले। अंदर बंद कर रहा हूँ तो बंद रहेगी, बंद रहेगी अंदर घर में। इधर हो, इधर बंद। तुझे बता रहा हूँ ये सारी वीडियो देखो, ये किसके पास है? इसका फोन तो मैंने देने रखा। ओहो कैमरा लगवा रखा है। तेरे जैसा की जो है ना अकड़ ऐसी निकल रहा हूँ मैं। ओ हाथ में छुटने का, सुन मेरी बात। ओ ये सारी वीडियो मैडी के चैनल नाम पे हो, बदमाशी मत दिखावे। कभी तेरा सुवर बनाऊं यहाँ पे। इधर आ, यहाँ पे इधर आ। ये सारी वीडियो है ना, सारी रिकॉर्डिंग है तेरी। वीडियो हटवा भाई, कैमरा वीडियो कैमरा वीडियो ना हटने की है। कैमरा तूने इसकी जिंदगी खराब कर दी है। कैमरा मैं समय मांग रहा, कैमरा हटवा दो। इधर आ पहले तो, चल इधर बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ इधर बैठ। तूने इसकी लाइफ खराब करी हुई है। तूने इसे घर से बाहर क्यों नहीं निकलने देता? ऐसा है, तूने इस पे बजाता। तू तेरे घर वालों ने शादी करी तेरे से इसलिए ना करी है। देख इसका क्या हाल हो रहा। गिल्ले की मजबूरी होती है कि घर वाले किसी के साथ भी बांध देते हैं और वो निभाती रहती। समझ आई तुझे बात? भाई मेरी बात मानती भाई, तेरी बात जायज मानी जाएगी। ये नहीं तो तू कुछ भी बोलेगा तो वो मान लेगी। तू जो है ना लड़की को कैद करके नहीं रख सकता। हमारे उसमें ये नहीं होता कि भैया तूने शादी कर ली तो तू कैद करके रखेगा। तू गुलाम ना, गुलाम ना बनाने का। तू ये गुलामी ना करेगी। ये तेरी गलती अभी तो, तेरी गलती जो है ना इतनी सारी अकड़ एकदम ना निकलती है। साले वीडियो की का असर है तेरे, जो तेरी फट गई है अभी। ये जो है ना ये अकड़ मत दिखा, तंगी होगी ना यार। सॉरी सुन ले, सुन यो, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मेरी बात सुन साले, ये जो है ना वीडियो, अब देख तेरा मैं क्या इलाज बनता हूँ। ये वीडियो तेरी इसके साथ ही थाने में लेके जाऊंगा, तेरी गांड पे ऐसे लट्ठ बजाऊंगा ना साले, तेरी अकल ठिकाने ला दूंगा। सॉरी यार, माफ कर दे यार, आगे से नहीं होएगा। खड़ा हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। सॉरी यार, अब करेगा नहीं, आगे से नहीं होगा ऐसा। हैं आगे से नहीं होगा अभी मानने का ना। तू कैन लग रहा हूं यार जब आगे से मैं होने का यार। तुम बताओ अभी भी देखो कैसे बात कर रहा है, देख लो कैसे बात कर रहा है। तेरे से समझ में आ रहा है? यहां सुन दे, इधर इधर माफी मांग, चल माफी मांग। सॉरी यार साले, कुत्ता बना लूंगा तेरा मारते मारते। अभी तेरा सुअर यहीं बनाऊंगा और थाने लेके जाऊंगा। तेरी वीडियो बनाई हुई मैंने, समझ आई तुझे बात? और तेरे घर वालों को भी दिखाऊंगा तेरा साइकोपन जो है ना, वो सब जगह दिखाऊंगा तेरा। चल पहले तो उधर कुछ पहुंच, निकल चल यहाँ से। ओ इसे पकड़ के रखियो यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। कोई दिक्कत नहीं अभी तो। गाइस देखा तुम्हारा, ये जो है घर वाले बिना सोचे समझे शादी करा देते हैं और उसके बाद लड़कियों का ऐसा होता है। और लड़की का जीना जो है ना सिर्फ एक माँ बाप की इज्जत के खातिर ना, वो इस ऐसे रिश्ते को भी कबूल कर लेती। तो गाइज अभी मैं जो भी ना ये वीडियो दूंगा, तुम्हें इसके साथ रहना है या नहीं रहना? मुझे नहीं रहना सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मुझे ये वीडियो दे दो ताकि मैं सबको दिखा सकूँ, अपने घर पे दिखा सकूँ, अपने ससुराल वालों को दिखा सकूँ। मुझे इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना। तो गाइस ये कल ऐसा था, आज भी ऐसा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। हाँ, ये तो बात है, ये नहीं सुधरने वाला। तो गाइस अभी मैं ये वीडियो एज अ प्रूफ दूंगा इन्हें, और ये जो सारी दिक्कतें हो रही है ना इन्हें, इनका ये मैटर सोल्व करवाऊंगा। और गाइस ये वीडियो मैं अभी यहीं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपको पसंद आई हो तो जो है लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। गाइज मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा ऑफिशियल मेडी 01 करके, उसे जाके फॉलो करो।